हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मात्रा में। साथियों, आज हमारा क्वेश्चन है, द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन ओ ई वॉज फाउंड टू बी 185 डिग्री। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट स्टेशन ओ हैड अ लोकल अट्रैक्शन ऑफ प्लस 1.5 डिग्री। द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन ओ ई कंसिडरिंग द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ 3.5 डिग्री ई शैल बी। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक बेयरिंग दे रखी है लाइन की, कितनी मैग्नेटिक बेयरिंग हमको दे रखी हुई है 185 डिग्री। लेकिन यहाँ पे पता चला है कि उसमें हमारा लोकल अट्रैक्शन है, लोकल अट्रैक्शन साथियों कितना है प्लस 1.5 डिग्री का। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, हम जो भी चीज़ मेजर करेंगे वो हमको प्लस 1.5 डिग्री ज़्यादा मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग निकालेंगे तो हो जाएगी 185 माइनस 1.5। तो अब यहाँ पर साथियों आएगा 183.5 डिग्री। अब साथियों हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए हमारी कोई लाइन ये है, हमारी ओ ये सेंटर है और ये हमारी लाइन है ई। अब क्या हुआ, इसका जो डिक्लिनेशन है वो दिया है 3.5 डिग्री, मतलब कि अगर हम कुछ चीज़ मेजर करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग, और ये हमारी हो जाएगी ट्रू बेयरिंग जो नॉर्थ होती है। तो यहाँ से हम मेजर करें के लिए, तो ये हमारा निकल के आ रहा है कितना 183.5 डिग्री, और इसका जो डिक्लिनेशन है साथियों वो हमारा 3.5 डिग्री। अब साथियों अगर हमको ट्रू बियरिंग निकालनी है, किसकी ट्रू बियरिंग निकालनी है, तो हमको इस लाइन को यहाँ से मेजर करना पड़ेगा यहाँ से। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर बात करें ट्रू बियरिंग का, तो ये हमारा हो जाएगा 183.5 प्लस 3.5, तो ये हमारा आंसर आएगा साथियों 187 डिग्री, मतलब कि ट्रू बियरिंग जो आएगी वो हमारी आएगी 187 डिग्री। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। साथियों इस प्रकार आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।